अ फॉर्मल मॉडल ऑफ कंजम्पन एंड सेविंग द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द कंजम्पन सेविंग डिसीजन द रियल इंटरेस्ट रेट एंड द बजट लाइन ये स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बजट लाइन का जो स्लोप है इट इज़ डिटर्मंड बाई द इंटरेस्ट रेट सो एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल चेंज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन

ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन है जिसका स्लोप माइनस वन पॉइंट वन जीरो यानी टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट है और ब्लैक वाली जो बजट लाइन है ये रेड से अगर आप कंपेयर करेंगे इट इज़ स्टीपर और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया टेन परसेंट से सेवेंटी सिक्स परसेंट हो गया इसलिए ये स्टीपर हो गई लेकिन दोनों बजट लाइंस में कॉमन पॉइंट ई है ई e क्यों कॉमन है ई e वो पॉइंट है जिस पर कंज्यूमर जो है वो अपने प्रेजेंट पीरियड में जो रिसोर्स उसके पास अवेलेबल हैं कौन कौन से रिसोर्स उसके पास होते हैं इनकम से आते हैं और वेल्थ से आते हैं सो so जो प्रेजेंट पीरियड में उसके पास रिसोर्स थे वो अपनी कंजम्पशन प्रेजेंट कंजम्पशन उसके मुताबिक एक्जैक्टली उतनी कर रहा था तो so ना उसे बोरिंग की ज़रूरत है और ना ही उसके पास कुछ है जिसको वो लेंड कर सके तो इसलिए इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंज आती है तो उसके इस पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी और इसी तरह वो फ्यूचर में जो उसके पास होगा अर्न करेगा वो वहाँ पर ख़र्च कर लेगा इसलिए ये पॉइंट दोनों में कामन है अगर आप इस पर रेड वाली पर फोकस करें तो ई पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया वो पॉइंट है जो नो बारिंग नो लैंडिंग पॉइंट है और इंटरेस्ट रेट के चेंज होने के बावजूद नई बजट लाइन ब्लैक वाली जो है ये भी उसी पॉइंट में से गुजरेगी ये पॉइंट उससे हमेशा अवेलेबल रहेगा वट एवर इज़ द इंटरेस्ट रेट क्योंकि ना वो बारो कर रहा है ना वो लैंड कर रहा है तो इंटरेस्ट रेट में तब्दीली से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दिस पॉइंट विल ऑलवेज़ रिमेन अवेलेबल टू हिम और सेकेंड जो हम बात समझना चाहते हैं कि अगर ई पॉइंट रेड रेड वाली पर अगर आप फोकस करें अगर आप ई e से ऊपर किसी पॉइंट पर हैं रेड वाली बजट लाइन में ई e से ऊपर किसी जगह पर आप हैं तो इसका मतलब क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर हैं इसका मतलब ये है कि आप आपकी करंट कंजम्पशन ये वाली है जब के पास आपके पास करंट रिसोर्स कितने थे सिक्सटी थाउजेंड करंट कंजम्पशन उससे कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ सेविंग अवेलेबल है जिनको आप बैंक में डिपॉजिट करके उस पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं ठीक है so, सो इससे ऊपर वाले ये जो सारे पॉइंट्स हैं रेड के इस पर हाउस होल्ड या इंडिविजुअल जो है वो नेट सेविंग कर रहा है और उस सेविंग की वजह से वो लैंडिंग कर रहा है और उससे वो इंटरेस्ट रेट अर्न कर रहा है और अगर आप इसके पास ई e से नीचे किसी हिस्से पर हैं इस रेड वाली बजट लाइन पर तो वो इंडिविजुअल जो है वो नेट बारोअर है कैसे कि इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल अगर वो है तो वो अपने रिसोर्सेज तो उसके पास सिक्सटी थाउजेंड थे लेकिन वो स्पेंड सिक्सटी थाउजेंड से ज़्यादा कर रहा है करंट पीरियड में कैसे करेगा बारो करके करेगा सो so, नीचे वाले हिस्से पर अगर वो है तो वो नेट बार है और ई से ऊपर अगर वो है तो वो नेट लैंडर है ओके okay. और जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ तो उससे बजट लाइन रेड से वो ब्लैक वाली पर आ गए ठीक है ब्लैक वाली क्या है एक्चुअली वो रोटेट कर रही है क्लॉक वाइज उसमें स्टीपर हो रही है स्टीपर होने से क्या होगा आप देखेंगे कि करंट पीरियड में इंटरेस्ट रेट यानी ई से नीचे अगर वो था तो वो चूँकि नेट बार था तो इंटरेस्ट रेट इंट में इजाफा होने की वजह से अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइफ टाइम रिसोर्स कम हो जाएगी तो ये पॉइंट नाइन्टी थाउजेंड से वो लेफ़्ट वर्ड सेवनटी एट सेवन फिफ्टी पर वो आ गया क्योंकि वो बारो कर रहा था ना यहाँ पर उसके तो इसलिए वो आप पहले से कम उसके पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे और वर्टिकल एक्सेस पर आप जाएंगे तो वर्टिकल जो इंटरसेप्ट है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया इसलिए कि अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वो जो लैंडिंग करेगा उस पर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकेगा और फ्यूचर में उसके पास ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल होंगे तो ये तो इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से उसकी बजट लाइन में जो चेंज आ रही उसको हमने समझा अब हम बात करेंगे सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इंटरेस्ट रेट जब भी चेंज होगा तो उसका हम बात थोरेटिकली इसे समझ चुके हैं कि उसका दो तरह से इम्पेक्ट होगा एक सब्सट्यूशन इफेक्ट के ज़रिए से और दूसरा इनकम इफेक्ट के सब्सक्रिपेशन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि चूंकि अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अब उसकी करंट कंजम्पशन जो है वो अब एक्सपेंसिव होगी और फ्यूचर कंजम्पशन उसकी रिलेटिवली चीपर होगी है ठीक है कि आज अब वो जो अब एक रुपये सेव करता है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वो अब ज़्यादा कंज्यूम कर सकेगा तो फ्यूचर कंजम्पशन उसकी जो है वो रिलेटिवली अब चीपर होगी है तो इसलिए वो करंट कंजम्पशन को कम कर देगा और फ्यूचर कंजम्पशन को बढ़ा देगा कैसे अपनी सेविंग को इंक्रीज करके ओके इंक्रीजिंग फ्यूचर कंजम्पशन एंड रिड्यूसिंग करंट कंजम्पशन इंक्रीजिंग सेविंग दिस विल बी द इंपैक्ट ऑफ द इन द इंटरेस्ट रेट सपोज हम एक आप, आप, केस डिस्कस करते हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट ई है जिस पर ना वो बारो कर रहा है और ना वो लैंडिंग कर रहा है तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से उस पर क्या असर होगा एन इंक्रीज इन द रियल इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो इनिशियली नो बारिंग नो लैंडिंग पॉइंट पर है तो उसके नतीजे में वो अन एम्बिगसली उस शख्स की जो फ्यूचर कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी और करंट कंजम्पशन उसकी कम हो जाएगी इसको हम डायग्राम की मदद से इसको हम समझते हैं इनिशियली वो ई e पॉइंट से स्टार्ट किया था उसने राइट right? ये वाली ब्लैक वाली उसकी बजट लाइन थी और ई e पॉइंट था उसका इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से बी एल टू सेकेंड बजट लाइन पर वो शिफ्ट हो गया सेकेंड बजट लाइन को ब्लैक से अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ब्लैक पर जब वो था तो ये ये उसके पास ये जो ब्लैक से ये जो ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल ये उसके अवेलेबल थी और जब आप रेड पर गए तो इस ट्रायंगल में अब एक नई ट्रायंगल रेड से जो जिसकी बाउंड्री डिटरमिन हो रही है ये एक नई ट्रायंगल उसके पास आ गई इस ट्रायंगल को आप दो हिस्सों में देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में कुछ एरिया ब्लैक वाले से कम हो रहा है ये वाला एरिया कम हो रहा है और ये ऊपर वाला एरिया उस उसकी ट्रायंगल में इजाफा हो रहा है काम होने का मतलब क्या है कि ये पहले जब वो ब्लैक में था तो इस हिस्से में वो उसे जो चीज़ें अवेलेबल थी अब वो उसे अवेलेबल नहीं है और ऊपर वाले हिस्से में कुछ ज़्यादा पेयर्स उसे अवेलेबल हैं तो ई से वो कभी भी इस डाउनवर्ड पोर्शन पर शिफ्ट नहीं होगा क्यों नहीं होगा इसलिए कि जब उसने ई चूज़ किया था तो उस वक़्त उसने उस वक्त भी ये डाउनवर्ड पोर्शन उसे अवेलेबल था लेकिन उसने ई को इन तमाम चीज़ों से प्रेफर किया था तो ई चूँकि अब भी उसे नई सिचुएशन में भी अवेलेबल है इसलिए वो उसका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो ई से अपवर्ड किसी किसी पॉइंट पर होगा डाउनवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि अपवर्ड क्यों होगा अपवर्ड इसलिए कि अपवर्ड पहले पहले उसे अवेलेबल नहीं था अब नई सिचुएशन में उसके लिए वो अवेलेबल हो गया तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ई e से वो वी पर शिफ्ट हो रहा है वी इज द न्यू इक्म पॉइंट ओके वी इज न्यू इक्लिबियम पॉइंट कैसे इक्लिब्रियम की वही डेफिनेशन है कि अब नया इंडिफरेंस डिफरेंस कर नई बजट लाइन का टेंजेंट बन रहा है एट पॉइंट वी ओके एंड नया इंडिफरेंस डिफरेंस करो आईसी टू इज हायर देन आईसी वन इट मीनस कि V पर उसकी टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिसफेक्शन एज कम्पेयर टू E उसमें इजाफा हो गया उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई E और V को अगर आप कंपेयर करें तो E पर उसकी करंट कंजम्पशन थी सिक्सटी थाउजेंड राइट सिक्सटी थाउजेंड क्या थी ये उसका नो बारिंग नो लैंडिंग पॉइंट था ना अगर आप वो नोमरिकल वैल्यूज रिकॉल करें तो फोर्टी टू थाउजेंड उसकी करंट इनकम थी एटीन थाउजेंड उसकी वेल्थ थी तो ये टोटल सिक्सटी थाउजेंड उससे अवेलेबल थे करंट पीरियड में तो पहले इनिशियल पोजीशन में वो अपने सारे के सारे रिसोर्स उसी करंट पीरियड में यूज़ कर रहा था लेकिन अब वी पर जब वो गया है तो करंट पीरियड में उसकी कंजम्पशन सिक्सटी थाउजेंड से कम होकर और फिफ्टी वन थाउजेंड रह गई है क्यों कंजम्पशन क्यों कम हो गई है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से हम इस बात को समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से करंट कंजम्पशन अब उसके लिए एक्सपेंसिव हो गई है फ्यूचर कंजम्पशन उसके लिए चीप हो गई है तो वो करंट कंजम्पशन को कम करके फ्यूचर कंजम्पशन को बढ़ा देगा करंट कंजम्पशन उसने सिक्सटी थाउजेंड से कम करके फिफ्टी वन थाउजेंड कर दी तो ये जो इसमें कमी आई है इसको हम कहते हैं सब्सटन इफेक्ट कि उसने फ्यूचर कंजम्पशन को सब्सटीट्यूट कर लिया फॉर द करंट कंजम्पशन उसने अपनी सेविंग में जो सिक्सटी माइनस फिफ्टी वन आप करेंगे तो नाइन थाउजेंड का उसने सेविंग में इजाफा सिक्सटी थाउजेंड पर उसकी सेविंग ज़ीरो थी ठीक है और अब वी पॉइंट पर वो सेव कर रहा है नाइन थाउजेंड ये क्यों सेव कर रहा है ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से उसके पास सेविंग अब अट्रैक्टिव हो गई है सेविंग पर रिवार्ड उसको ज़्यादा मिलना शुरू हो गया और करंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव हो गई है तो इसलिए उसने करंट कंजम्पशन कम करके और सेविंग को उसने ज़्यादा कर दिया